सो हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइटर पार्ट। सो मैं अभी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस हमारा 350 का बड़ा वीडियो है। क्या वीडियो? ये पर आप देख सकते हो मेरे हाथ पे ही है। इस पे मैं आप बोल सकते हो सेंट्रल लॉकिंग टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, रिमोट कंट्रोल। सो यही मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। आप बोल सकते हो जो सेंट्रल लॉकिंग बाइक में क्या बोलते हैं इसको, अलार्म टाइप बोलते हैं। आप बाइक लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो एंड वो जो क्या बोलते हैं स्टार्ट भी कर सकते हो बाइक इसमें से। सो सेंट्रल लॉकिंग टाइप आप बोल सकते हो। सेंट्रल लॉकिंग मैं बाइक में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। एग्जैक्ट नाम मेरे को पता नहीं है, जो नाम है वही आपको बता रहा हूँ, मतलब जो मेरे को लग रहा है। सो इसके अंदर क्या कुछ है आप देख सकते हो, स्पीकर है यही बजेगा। सो कैसा बजता है सारे चीज़ आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। अभी क्या कुछ है इसके अंदर इंस्टॉलेशन के पहले वो आपको दिखा दे रहा हूँ। एक कुछ इसका अंदर में जो रहता है वो है, जो कि यही मेन चीज़ है। एंड रिमोट जो दे रखा है वो आप देख सकते हो, एक नॉर्मल वाला आप बोल सकते हो जो कार वगैरह पे रहता है वैसा वाला सेम में दे रखा है। एंड चारों स्विच है। सो स्विच का क्या कुछ काम है सारी चीज़ इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाऊंगा। और एक रिमोट दे रखा है इसके साथ, की भी है, लेकिन की मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, ये घर पे ही रहेगा, ये बाइक के साथ रहेगा। सो चलो अभी इसको इंस्टॉल करने जाते हैं जो मैकेनिक है उसके पास। दैन उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ काम है इसका। एंटी लॉक बोल रहा हूँ, जो किला सेंटी का क्या कुछ काम है। सो चलो सीधा मिलता हूँ अभी मैकेनिक के पास। एंड हाँ, ये मेरे शॉप पे अवेलेबल है, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हो कितना कुछ प्राइस है। प्राइस तो मैं इनके पहले बता दूंगा। सो वीडियो आप देखो, देन उसके बाद आपको बता दूंगा। Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine running beside the lions. I've been feeling dumb but I've been looking up. गाइस इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था जितना हो पाया आपको दिखा दिया हूँ। कबलर टू कबलर फिट हुआ है, कोई भी वायरिंग कट वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नहीं तो अगर वायरिंग कट वगैरह करना पड़ता तो भाई मैं नहीं करता ये चीज़। एंड एक भाई कमेंट भी किया था ये करने के लिए। मैं सोचा कि वीडियो अभी उतना ज़्यादा नहीं है और मैं हर दिन वीडियो आपके लिए मतलब लाता रहूँगा ऐसा सोचा हूँ, उसके वजह से ही मैं सोचा कि यही कर लेता हूँ। एक कॉमेंट आया था। सो बस आप देख सकते हो मेरे हाथ पे ही है रिमोट। एंड कैसा कुछ काम हुआ है सारी चीज़ आपको एक एक करके, स्विच चारों स्विच का काम क्या है सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। एंड इसका प्राइस अभी अपना नहीं, प्राइस आपको बाद में बताता हूँ, पहले काम दिखाता हूँ क्या काम है। अगर ये चीज़ खरीदना चाहते हो तो मेरे शॉप पे अवेलेबल है, स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हो। ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सारी चीज़ हो जाएगा, अगर दूसरे स्टेट से हो तो भाई सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ आप को अगर चाहिए तो भाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सीओडी अवेलेबल नहीं है, आप अगर पैसा पहले पेमेंट कर दोगे तो भाई माल चला जाएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ क्योंकि मेरा खुद का ही शॉप है उसके वजह से बोल रहा हूँ। अगर इनकेस नहीं जाएगा तो भाई पैसा वापस मिल जाएगा। सो चलो अभी टॉपिक पे आते हैं। सो रिमोट कुछ ऐसा दिखने में है, सो लाइक कार का जो किला सेंटी होता है वैसा वाला ही है। सो अभी मैं जो की है इधर साइड पर आ जाओ, मैं बाइक एक बार न्यूट्रल कर लेता हूँ। की को मैं ऑफ कर दिया हूँ एंड की अभी मेरे हाथ पे है। सो चलो अभी एक एक करके सारी चीज़ दिखाता हूँ। पहले लॉक, ऊपर में आप देख सकते हो गाइस लॉक का स्विच है। लॉक का स्विच में काम क्या है, अगर एक बार मैं प्रेस करूँगा तो देखो आप उधर साइड पे लॉक हो गया है, चारों इंडिकेटर एक साथ जल के एक आवाज़ होके लॉक हो गया है। अगर इनकेस किसी भी लोग अगर इस बाइक में कोई भी अगर इस बाइक में टच करेगा तो भाई ये बाइक का जो अलार्म है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे टच करूँगा तो भाई अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देखो
चेकआउट कर सकते हो गाइस। फिर से मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत सारे आवाज में आप भी आपको सुनने को मिलेगा। तो गाइस अभी इसको मैं बंद कर लेता हूँ, मतलब इसको अगर आप बंद करना चाहते हो तो कैसे बंद करोगे, उसके नीचे का जो स्विच आप देख सकते हो अनलॉक टाइप कुछ यहाँ पर स्विच में आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ये स्विच अगर एक बार प्रेस करोगे तो भाई अनलॉक हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हो दो बार आवाज़ होके अनलॉक हो गया है। एंड मैं अभी आपको सीट में एक बार टच करके दिखा देता हूँ, कुछ भी आवाज़ वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल जैसा नॉर्मल बाइक है वैसा ही हो गया है। देन उसके बाद है घंटी का बटन। घंटी का बटन का काम क्या है आपको बता देता हूँ। अगर इनकेस किसी ऐसे जगह पर बाइक रखे हो कि आप भूल गए हो, या फिर बहुत सारे बाइक है आप ढूंढ नहीं पा रहे हो बाइक कहाँ पर है, ज़्यादातर वो सिटी में होता है, मेरे यहाँ पर रूरल एरिया पे तो उतना ज़्यादा आपको ऐसा वाला देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ आपको, अगर इनकेस आप बाइक ढूंढ नहीं पा रहे हो किसी दूसरे जगह पर है, या फिर किसी जगह से इधर उधर काट दिया है कोई भाई लोग, मतलब आप कोई बंदा इधर उधर काट दिया है, तो भाई ढूंढने के लिए ये जो स्विच है अलार्म का ये दे रखा है। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो आप देखो आवाज़ कैसा होगा, ऐसा कुछ आवाज़ होगा। एंड होने के बाद फिर से बंद हो जाएगा, और भी और अगर प्रेस करोगे तो फिर से बजना चालू हो जाएगा। सो ऐसे करके आप बाइक भी ढूंढ पाओगे, मतलब बोल सकते हो कहाँ पर बाइक है खड़ी है वो आप ढूंढ सकते हो। सो ये फीचर्स आपको बता दिया हूँ, ये आप बोल सकते हो बाइक का अटेंशन क्रिएट करने के लिए, मतलब बोल सकते हो लोगों का अटेंशन क्रिएट करने के लिए भी ये स्विच आप प्रेस करके कर सकते हो ये चीज़। सो वो तो गया, अभी नीचे का जो स्विच है गाइस ये सेल्फ का है, इसमें बाइक स्टार्ट हो जाएगा, एक बार नहीं दो बार प्रेस करना पड़ेगा। दो बार देने के कारण जो है वो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि एक बार अगर प्रेस करोगे तो भाई गलती से हो जा सकता है। सो उसके वजह से दो बार दिया है, दो बार में अगर मतलब दो बार प्रेस करोगे तो स्टार्ट उठ जाएगा, नहीं तो भाई एक बार में स्टार्ट नहीं उठेगा। एक अच्छा बात है, अगर इनके पॉकेट में मतलब बोल सकते हो पॉकेट वगैरह पे रहेगा तो भाई ऐसे प्रेस होके एक बार हो सकता है, लेकिन स्टार्ट नहीं उठेगा। सो ये फीचर्स मेरे को अच्छा लगा गाइस। दो बार अगर स्विच को प्रेस करोगे तो स्टार्ट उठ जाएगा, आप देखो हाथ चाबी मेरे हाथ पे ही है बाइक का, देख सकते हो गाइस बिल्कुल प्रॉपर तरीका से स्टार्ट उठ गया है बाइक का इंजन, बिल्कुल स्टार्ट है, देख सकते हो की कोई भी की वगैरह नहीं है, ऑफ भी है की, अब अगर देखोगे तो की भी ऑफ है, ऑन नहीं है। सो ये फीचर्स आप बोल सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। भी दिखाता हूँ, ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनलॉक का स्विच को आपको प्रेस करना पड़ेगा, देन ऑफ हो जाएगा, देखो सो ऑफ हो गया गाइस। सो गाइस सारे चीज़ आपको सारा फीचर्स दिखा दिया, और भी कुछ आपके मन में डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा जरूर। एंड हाँ भाई, आपके लिए इतना सारा खर्च कर रहा हूँ, सो उसके लिए तो भाई सब्सक्राइब करो, मतलब सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हो, मतलब आप बोल सकते हो 100% में से 1-2% ही सब्सक्राइब करते लोग। सो ये चीज़ देख के मेरे को काफ़ी बुरा लगा गाइस। सब्सक्राइब करने का एक कारण आपको बता रहा हूँ, मेरा उतना मतलब आप बोल सकते हो शौक तो है, मतलब आप बोल सकते हो मॉडिफिकेशन वगैरह करने का मन है, लेकिन उतना मैं नहीं करता, वीडियो वगैरह बनाने के लिए मैं ये सारे चीज़ कर रहा हूँ, नहीं तो इतना ज़्यादा हंटर पे मॉडिफिकेशन नहीं करता। अभी भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन मतलब करूँगा, सो वो तो आपको अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो भाई आपको देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा। एंड इसके वजह से ही बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके पैर दिखाओ, वो तो भाई आप बोल सकते हो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एक आपको क्लिक करना पड़ेगा, बस वही चीज़ है। एंड रेगुलर वीडियो देखते रहना पड़ेगा आपको। सो ये दो चीज़ आपको बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करो भाई एंड बेल आइकन को ऑल में प्रेस करके रखना, एंड रेगुलर वीडियो मेरा देखते रहना, तभी मैं और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर पाऊँगा। मतलब आप बोल सकते हो जो खर्च मैं कर रहा हूँ वो तो नहीं उठ रहा है, मतलब कहीं समझ सकते हो जो खर्च हो रहा है उसमें से अगर थोड़ा बहुत मेरे पास आ जाएगा तो भाई मैं और भी मॉडिफिकेशन इस बाइक को लेके मतलब आप बोल सकते हो इस बाइक के ऊपर करूँगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हो भाई पीछे का जो टेल लाइट है वो GT का इंस्टॉल करो, वो भी सोच रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहा हूँ, मैं कमेंट सारे लोग का पढ़ता हूँ। एंड टैंक के ऊपर रैपिंग भी करने के लिए सोचा हूँ, सो GT के जैसा, सो कैसा रैपिंग हो तो वीडियो आने के बाद आपको पता चल जाएगा, उसका ही अभी प्रोसेस मतलब बोल सकते हो कहाँ पर से कराऊँगा, सो वही सोच रहा हूँ। सो देखते कब होता है, अगर हो पाएगा तो भाई जितना जल्दी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। सो उसके लिए भाई बोल रहा हूँ जोर से सब्सक्राइब करके रखना, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, फ्री में भाई सब्सक्राइब होता है, उसमें कोई पैसा वगैरह का कोई काम जाम नहीं है। सो थोड़ा सा हेल्प करो भाई, नहीं तो यार इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन वगैरह करने में मेरे को थोड़ा सा हेल्प होगा, सो उसके वजह से ही बोल रहा हूँ।
एंड बस और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं भाई सब्सक्राइब करो, मैं ना बहुत सारे प्रोसेस में बोलते हैं, वो भी सही है भाई, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, उतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। सोचा कि एक बार बोल ही देता हूँ आप लोगों को। अगर भाई किसी भी भाई लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई अगर इनकेस सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एक बार। तो चलो अभी एंड हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बोल सकते हो कि क्या कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, सो वो भी मैं करने के लिए कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, आप बोलो रीज़न बताओ, वो भी बोल सकते हो। तो चलो बहुत सारा बात हो गया है, अभी बात कर लेते इसका प्राइस को लेकर। इसका प्राइस पड़ेगा, अगर आप खरीदना चाहते हो मेरे शॉप पर अवेलेबल है, 900 रुपीज़ ओनली, 900 रुपीज़ में आपको ये जो क्लास एंट्री है वो आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आप बोल सकते हो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये चीज़ खरीदना है ऑनलाइन वगैरह पे भी आप मतलब ऑर्डर कर सकते हो, स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है वहाँ पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा खुद का ही शॉप है सो उसके हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ गाइस। एंड प्रॉपर जो काम करता है वो आपको दिखा दिया हूँ, एंड दो इसके साथ रिमोट है और एक रिमोट तो आपको पहले ही दिखा दिया था। सो बस यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल पर इस राइडर पर। सो बाय, मिलते ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ। सो बाय, हैप्पी गुड डे, बस बाय।